मुरादाबाद के कटघर थाना क्षेत्र में दिल्ली लखनऊ नेशनल हाईवे 9 पर उस समय हड़कंप मच गया जब एक तेज रफ्तार रोडवेज बस ने बेकाबू होकर हाईवे पर साइड में खड़े ट्रैक्टर ट्रॉली में पीछे से टक्कर मार दी। बस की टक्कर इतनी तेज थी कि हादसे में 20 से ज्यादा यात्री घायल हो गए जबकि रोडवेज बस में कुल 40 लोग सवार थे। वही सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने एम्बुलेंस के जरिए सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया जहां कुछ घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है जबकि 17 लोगों का इलाज अभी भी जारी है। हादसे के शिकार यात्रियों ने बताया कि तेज रफ्तार बस में लगे साउंड सिस्टम में चालक गाने बदल रहा था। इस दौरान बेकाबू बस हाईवे पर खड़े ट्रैक्टर ट्रॉली में जा भिड़ी। उन्होंने बताया कि रोडवेज बस दिल्ली से यूपी के सीतापुर जा रही थी जिसमें ज्यादातर मजदूर यात्री सवार थे। वहीं जिला अस्पताल के EMO AK सिंह ने बताया कि उन्हें रामगंगा नदी के पुल के पास एक बस हादसे की जानकारी मिली थी जिसमें घायल काफी यात्रियों को जिला अस्पताल लाया जा रहा है। फिलहाल अस्पताल में भर्ती सभी घायल खतरे से बाहर हैं। हम दिल्ली से आ रहे थे, सीतापुर जा रहे हैं और बस का एक्सीडेंट हो गया है। किस कारण हुआ एक्सीडेंट जो होता है? वो ट्रॉली खड़ी थी, ड्राइवर गाना चेंज करने के चक्कर में उसने लड़ा दिया। खाली ट्रॉली में टकराई है? जी सर, खड़ी ट्रॉली थी। कितने लोग घायल हुए सर? ये तो लेकिन ज़्यादातर लोग घायल ही। कितने लोग बस में सवार थे? ये भी नहीं। अरे किस चीज़ से टकराई? ट्रॉली से। ट्रॉली से टकराई। बस में करीबन कितने लोग सवार थे कुछ नहीं पता? ऐसे होंगे सर। कितने? 40 के करीब। ठीक है जी सर, एक हादसा हुआ है, कितने मरीज आए हैं? ये अभी रामगंगा बिहार रामगंगा ओवर ब्रिज पे भी एक्सीडेंट हुआ है, करीब 17 मरीज आए हैं। क्या स्थिति है सर मरीजों की? स्थिति में अभी अधिकतर के किसी के गले में चोट है, किसी के टांग में चोट है, लेकिन गंभीर अवस्था में अभी कोई नहीं है। दो चार के देखने में फ्रैक्चर लग रहा है लेकिन सबको भर्ती कर लिया गया है, प्राथमिक उपचार दिया गया है। क्या जानकारी मिली किस चीज़ का हादसा हुआ? ये बता रहे हैं कि ट्रक से उसका हुआ है, बस का एग्जैक्टली तो नहीं मालूम, बाकी और जो पता लगा वही। सर अभी तक कोई गंभीर नहीं है? अभी